हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। और इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं की। दोस्तों, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इन चीज़ों को याद तो कर लेते हैं मगर भूल जाते हैं कि कौन सी योजना में किस चीज़ को प्राथमिकता दी थी। तो आज हम इन चीज़ों को एक ट्रिक से याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रिक। दोस्तों, ट्रिक है कुशाग्रा कृष्णा समाज का तीव्र विकास, ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं पंचवर्षीय योजना है तो इससे पता ही चल रहा है कि मतलब योजना 5 साल बाद ही आती है। इसके बाद देखते हैं कि ये 8 दिसंबर 1951 को लागू की गई थी और योजना आयोग के द्वारा इसको कराया जाता है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब देखते हैं प्रथम, सबसे पहले जो 1951 में शुरुआत हुई थी और 1956 तक चली थी, तो इसमें के से याद रखेंगे कृषि को। द्वितीय जो 1956 से 1961 तक चली थी, उसमें यू से याद रखेंगे औद्योगिकरण को। इसके बाद तृतीय जो कि 1961 से 1966 तक चली थी, उसमें एस से याद रखेंगे स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को। उसके बाद चौथी जो कि 1969 से 1974 तक हुई थी, उसमें ए से याद रखेंगे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को। उसके बाद पांचवी जो कि 1974 से 1978 तक हुई थी, उसमें जी से याद रखेंगे गरीबी उन्मूलन को। उसके बाद छठी जो कि 1980 से 1985 तक हुई थी, इसमें आर से याद रखेंगे रोजगार रोजगार को। इसके बाद सातवीं जो कि 1985 से 1990 तक हुई थी, इसमें ए से याद रखेंगे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को। इसके बाद आठवीं जो कि 1992 से 1997 तक रही थी, इसमें कृषि से याद रखेंगे कृषि एवं विकास को। इसके बाद नौवीं जो कि 1997 से 2002 तक रही थी, इसमें ना से याद रखेंगे न्यायपूर्ण वितरण को। इसके बाद देखते हैं दसवीं, ये 2002 से 2007 तक रही थी, इसमें समाज से याद रखेंगे सामाजिक न्याय एवं समानता को। 11वीं जो कि 2007 से 2012 तक रही थी और तीव्र विकास से याद रखेंगे तीव्र एवं समावेशी विकास। और 12वीं में भी जो कि 2012 से 2017 तक रही थी, इसमें भी तीव्र एवं समावेशी विकास के ही को ही प्राथमिकता दी थी। दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि तीसरी में और चौथी में 3 साल का अंतर है, यानी कि तीसरी के बाद जब चौथी योजना चली थी तो उसमें 3 साल का गैप्स था। उसके बाद में पांचवी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी योजना 5 साल नहीं चली, तो पांचवी ही परियोजना है जो 5 साल नहीं चली, इसमें 1 साल का अंतर है। इसके बाद सातवीं और आठवीं में 2 साल का गैप है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।